हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनएसए क्वेश्चन जो कि हमारा दिसंबर 2023 में आता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट ए एन बी द कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जेड सच दैट ए एन इंटरसेक्शन विद ए एम इज फाई फॉर ऑल एम नॉट इक्वल टू एन। इफ ए जेड इज द यूनियन ऑफ ए एन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी ट्रू। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ए एन इज इनफाइनाइट, ए इज फाइनाइट फॉर एवरी और फॉर सम के लिए, ए एन इज इनफाइनाइट एंड ए इज काउंटेबल। तो मेनली हमसे यही पूछा गया, अगर हम जेड को यूनियन ऑफ ए एन में लिखते हैं और एन हमारे पास कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो जो ए एन है हमारे पास वो कैसा बनेगा, और जो कि हमारे पास ए आई है या ए एन है हमारे पास वो क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमसे क्या रखा है, ए एन इज फाइनाइट, कि हमारे पास ए एन हमारे पास फाइनाइट बनेगा या नहीं बनेगा फॉर एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए। तो देखिए, अगर हम जेड को यूनियन ऑफ ए वन, यूनियन ए टू एंड यूनियन ऑफ ए थ्री में लिख देते हैं, और a1 हमारे पास क्या है, a1 को हम मान लेते हैं हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर, a2 को मान लेते हैं हमारे पास कैसा है, सेट विद जीरो एलिमेंट, और a3 को हम मान लेते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए, अगर हम z को यूनियन ऑफ a1, यूनियन a2, यूनियन a3 में लिख देते हैं तो हमारे पास पूरा का पूरा z लिखा जाएगा, ठीक है, और सभी कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है हमारे पास, मींस सभी के सभी हमारे पास कैसे है, डिजॉइंट सबसेट है। तो ये कह रहा है कि ए एन इज फाइनाइट फॉर एवरी, जरूरी नहीं है ना, ए एन हमारे पास कैसा आ गया, इनफाइनाइट सेट आ गया है, जो कि यहाँ ए वन और ए थ्री हमारे पास कैसा सबसेट आ गए हैं, इनफाइनाइट सेट आ गए, और ये कह रहा है हमारे पास जो ए एन है वो फाइनाइट बनेगा फोर और फोर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए। तो ये ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा रॉन्ग। देखिए, सेकंड ऑप्शन में क्या रखा है कि ए एन इज फाइनाइट फॉर सम इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए, मींस कि ए एन हमारे पास फाइनाइट बनेगा फॉर सम, जरूरी नहीं है ना, अगर हम जेड को ऐसे लिख लेते हैं 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट यूनियन 1, 2 वो भी कैसे नेगेटिव 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए, जेड हमारा कैसा लिखा गया, यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सबसेट में, और जो जो कि कैसे हैं, सबसेट है किसके, जेड के, और ये कह रहा है कि ए एन हमारे पास फाइनाइट होगा फॉर सम एन, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ए वन और ए टू दोनों हमारे पास कैसे हैं, इनफाइनाइट सेट है दो के दो हमारे पास, ये कह रहा है कि किसी ना किसी के लिए वन या एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए हमारे पास क्या बनेगा, फाइनाइट बनेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन थर्ड को। देखिए, थर्ड ऑप्शन में हमसे क्या रखा है, ए एन इज इनफाइनाइट फॉर सम इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए। तो हम इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं, मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं, ए वन इक्वल टू जीरो, ए टू इक्वल टू माइनस वन वन, ए थ्री में हम ले लेते हैं माइनस टू और टू, आपको दिख रहा होगा हम कैसे बना रहे हैं, मींस तो हमारे पास ए एन है हमारे पास कैसे आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस ए एन और एन माइनस वन। तो ये सभी हमारे पास क्या कैसे आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट सेट आ जाएंगे। ए वन जब हम ए वन लेते हैं, ए टू लेंगे, ए थ्री लेंगे, अप टू ए एन लेंगे, अप टू इनफाइनाइट टाइम लेते रहेंगे, तो ये सभी हमारे पास डिसजॉइंट सबसेट आ जाएंगे। तो अगर हम इन सबकी यूनियन कर देंगे तो हमारे पास कैसा बन क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा जेड। और ये कह रहा है ऑप्शन थर्ड में कि ए एन इज इनफाइनाइट फॉर सम इंटीजर, तो जरूरी नहीं है ना, तो जो हमारे पास ए वन, ए टू अप टू ए एन, हम सभी जो हमारे पास सभी के सभी सेट आ रहे हैं वो सारे के सारे कैसे है, हमारे पास फाइनाइट सेट है। और ये कह रहा है कि हमारे पास ए एन इज इनफाइनाइट फॉर सम इंटीजर, तो ऐसा नहीं है ना, तो ये ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा रॉन्ग। तो हम डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शन फोर्थ को। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए एन इज काउंटेबल,
और काउंटेबली हमारे पास कैसा, काउंटेबली फाइनाइट और इनफाइनाइट। तुम्हें पता है जेड है हमारे पास वो क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है हमारे पास, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। अगर हम इसके कोई भी सबसेट लेते हैं तो हमें पता है, अगर हम इसके ए वन ए टू जो भी कोई भी सबसेट लेंगे वो भी हमारे पास कैसे बनेंगे, काउंटेबली बनेंगे। और काउंटेबल भी कैसे बन सकते हैं, दो तरह से बन सकते हैं, काउंटेबल या तो फाइनाइट बनेंगे या इनफाइनाइट बनेंगे। तो यही कह रहा है हमारे पास जो ए एन है हमारे पास वो काउंटेबल बनेंगे या तो फाइनाइट बनेंगे या इनफाइनाइट बनेंगे, क्योंकि हम जेड के ही सबसेट ले रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या बनेंगे, तो काउंटेबली फाइनाइट बनेंगे या काउंटेबली इनफाइनाइट बनेंगे, कोई भी अनकाउंटेबल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास जेड खुद ही कैसा होता है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होता है। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू।